एक ऐसा सोना का खदान जिसमें ऐसा केमिकल है जो अगर निकल गया तो दुनिया के सारे लोग सिर्फ एक दिन और 4 घंटे में अपना दम तोड़ देंगे। ये बात आपसे छुपाई गई है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और आपके घर से लेके आपके स्कूल या फिर ऑफिस तक 7-10 किलोमीटर का ट्रेन क्या आपने देखा है? और जापान में एक आईलैंड पे 1200 टन मछलियां, मरी हुई मछलियां क्यों पाई गई, कैसे पाई गई? और बाल काटते समय बार्बर ने आगे प्लास्टिक क्यों रखा है, क्या साइकोलॉजी है यहाँ पे? ऐसी इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दो, 1 सेकंड लगेंगे, और वीडियो पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 11, येलो नाइफ कनाडा में एक गोल्ड माइन है, एक सोना का खदान है। वहां पे सोना पाया गया, वहां के लोगों को फायदा हुआ, ये बात तो अलग है। लेकिन उसी जगह धरती के अंदर आप इस आर्टिकल में जैसा कि देख सकते हो 237,000 टन आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि तुरंत ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ ही मिनट्स में हार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिर्फ 180 मिलीग्राम, एक मटर के दाने इतना अगर केमिकल ये आपके सामने रखा रहेगा तो बस आपको तुरंत ब्रीदिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी और आप फेंट करने लगोगे, आप बेहोश होने लगोगे जब तक आपका हार्ट बीट ना रुक जाए। अब मटर के दाने इतना लीथल होता है इंसान के लिए, तो 237,000 टन उस माइन के नीचे दबा हुआ है। इस माइन साइट का नाम है जायंट माइन साइट। हालांकि 2004 में इस माइन को क्लोज कर दिया गया था, लेकिन ग्लोबल टेम्परेचर चेंजेस के चलते ये कभी भी वहां से बाहर निकल सकता है, और वहां पे बहुत ह्यूज मात्रा में पैसों को स्पेंड किया जा रहा है कि इसको कैसे रोके हम। जब तक ये गोल्ड माइन ऑपरेशनल था 2004 तक, तब तक 200 टन सोना यहां से निकाला गया था, लगभग $3 बिलियन का सोना। वहां की इकोनॉमी को बेनिफिट हुई, और आर्सेनिक को बाहर निकलने से रोकने के लिए गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल सहारे से उस जगह को सील करना चाहा। तो एस्टिमेट्स के हिसाब से लगभग $900 मिलियन यानी $1 बिलियन खर्चा किया वहां की सरकार ने उसको रोकने के लिए, क्योंकि ये लिटरली पूरे धरती को खत्म कर सकता है। सोचो, बहुत खुश थे वो लोग कि $3 बिलियन का सोना निकला। अब उसमें से एक तिहाई पैसा, $1 बिलियन यानी वही 900 मिलियन, 1 बिलियन, उतना एक तिहाई पैसा लग गया वापस उसको सील करने में। फिलहाल इसके बारे में उतनी चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि फिलहाल उसको सील कर दिया गया है, लेकिन रिस्क तब भी होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जगह अनटस्ट रहती तभी अच्छा है। माइनिंग करके उस जगह को ओपन कर दिया गया और सारा आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बाहर निकलने के रिस्क पे आ गया। फैक्ट नंबर 10, इस फोटो में आप देख सकते हो कि बाल कट रहा है लेकिन बार्बर ने आगे प्लास्टिक दे रखा है। इसके पीछे का कारण ये है कि फोन एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और अब फोन एडिक्शन एंड लेवल के स्तर तक जाने वाला है। यानी लोग बाथरूम में फोन ले जा रहे हैं, चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, फोन चालू रहना चाहिए। चाहे बाल कटे, फोन चालू रहना चाहिए। चाहे खाना खाएं, फोन चालू रहना चाहिए। एपिडेमिक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट जान लो कि लोकल और इंटरनेशनल ये जो चीजें हैं ये इंसान के दिमाग में है। ऐसा क्यों? मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो, तो अगर गुजरात से कोई चीज आएगी दिल्ली में, गुजरात का कोई सूट आया, कोई कपड़ा आया, तो दुकानदार आपको बोलेगा कि ये गुजरात से आया है, गुजरात के इस जगह से। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है ना कि आपको वो चीज वैल्यूएबल दिखने लगती है, वैल्यू दिखता है आपको उसमें, क्योंकि दूर से आई है। लेकिन गुजरात में जहां पे वो बन रहा है वहां पे भी तो आसपास लोगों का घर होगा, तो जो आसपास वाले लोग हैं क्या वो उस चीज में उतना इंटरेस्टेड होंगे जितना बाहर के लोग हैं? नहीं होंगे, क्योंकि वहां के लिए वो लोकल होगा, उनको इजिली मिल जाता है, कुछ वैल्यू नहीं है खास। लेकिन वही कोई और स्टेट में जाए तो वैल्यू हो जाता है। और इसी चीज का उल्टा कर दें कि गुजरात में कोई इंसान है, उसको पता चलेगा कि यूपी के इस जगह पे खास तरीके से ये कपड़ा बना है, वहां से आया है, तो गुजरात वाले लोग उसको वैल्यू करेंगे। तो ये जो होता है ये एक्चुअली जितना वैल्यूएबल होता है नहीं होता है, उससे ज्यादा साइकोलॉजी लेवल पे इसका इफेक्ट होता है। फैक्ट नंबर 9, ऐसा हमने देखा होगा कि अगर ईयरफोन से आप गाने सुन रहे हो तो जो फेमिलियर सॉन्ग्स हैं उसको सुनते वक्त ऐसा कभी कभी होता है कि आपको नींद आ जाता है, आप सो जाते हो, और आप जब नए गानों को सुनते हो तो आपको नींद नहीं आएगा उतना जल्दी। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है? तो साइकोलॉजी ये है कि आपका ब्रेन ऐसा है, इंसानों का ब्रेन ऐसा है कि अगर फेमिलियर चीज हो जिसको आप देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, तो वो आपके ब्रेन के लिए डेंजर
डेंजर पोज नहीं करता है, वो डेंजरस नहीं है। कुछ नॉवेल चीज, कुछ न्यू चीज आती है तो आपका ब्रेन ज्यादा अलर्ट रहता है कि ये नई चीज है, न्यू चीज पे ज्यादा जल्दी फोकस होता है एज कम्पेयर टू फेमिलियर चीज। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप कुछ ऐसे गाने को सुन रहे हो जो कि आप बहुत बार सुनते आए हो तो आपको कभी नींद भी आ जाती है, गाना सुनते सुनते ही नींद आ जाती है। लेकिन कोई नया गाना जो आज ही कल में रिलीज हुआ है उसको सुनोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके लिए नॉवेल होगा। ब्रेन को नॉवेल्टी पसंद है, ब्रेन को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, तभी वो एनर्जेटिक और अलर्ट रहता है। इसलिए मैं एक ही वीडियो में आपको इतने सारे मल्टीपल जानकारी दे देता हूँ ताकि एक ही फील्ड का नॉलेज ना मिले, आपको हर फील्ड का नॉलेज मिले। फैक्ट नंबर 8, देखो आप कभी कहीं बाहर खाओगे ना तो जो मेनू कार्ड होगा, खाने का प्राइस आप देखोगे, जनरली क्या होता है कि मान लो 80 रुपए प्लेट छोले भटूरे या फिर 140 रुपए प्लेट कुछ और, तो ये राउंड फिगर में होता है। क्या ऐसा होता है मेन्यू में कि 80 रुपए 30 पैसे छोले भटूरे? नहीं होता होगा। लेकिन कई रेस्टोरेंट्स में आपको कुछ ऐसा मेन्यू देखने मिल जाएगा जिसमें प्राइसेस ऐसे दिए रहेंगे। अब आप कहीं गए खाने और ऐसे प्राइस को देखोगे तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये बिना मतलब के ड्रामा क्यों करता है, ये लोग क्या डेसिमल पॉइंट में प्राइस को चढ़ा के रखे हैं। तो असल में क्या है कि वैसा प्राइस अगर आपको दिखे जिसमें राउंड फिगर ना हो, डेसिमल में हो, तो समझ जाना वो एक्सक्लूडिंग टैक्स है। इसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा और टैक्स लगने के बाद वो राउंड फिगर में हो जाएगा। तो प्राइस जो है वो विदाउट जीएसटी है। जनरली खाने के ऊपर 5% जीएसटी होता है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में आपको प्राइसेस राउंड फिगर में मिलेंगे और जो प्राइस होता है वो जीएसटी यानी टैक्स को इंक्लूड करके होता है। ऐसे होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। 80 रुपए लिखा है तो 80 रुपए हम देंगे, इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है, टैक्स फैक्स जितना है सब। लेकिन अब आप समझ जाना जहां पे राउंड नहीं है, पॉइंट में है, तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7, ये फोटो देखो, ये है आई ऑफ द फॉरेस्ट। ऐसे जो फोटोज होते हैं ये बहुत ही स्पेशल होते हैं क्योंकि नेचर में अक्सर नॉर्मली हम ऐसा कुछ नहीं देखने मिलता है। कोई भी जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर बने जो कि ऐसा लगे कि नेचर का आंख है, ये कोइंसिडेंस से होता है लेकिन ऐसा रेयर कैप्चर बहुत सारे फोटोग्राफर्स करते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि इस दुनिया के जितने भी कॉइन्स है, सिक्के, जो पैसा है जो गवर्नमेंट बनाती है, ज्यादातर आप पानी में डालोगे वाटर में तो डूब जाएगा, लेकिन जापानीज येन जो है उसको अगर आप डालोगे तो वो ऊपर में ही तैरेगा, वो इतना हल्का होता है। मतलब यहाँ जानने की बात यह है कि पूरे विश्व में जापानीज येन ही एक ऐसा कॉइन है जो कि इजिली पानी पे फ्लोट कर जाता है। फैक्ट नंबर 5, इंडियन रेलवे के बारे में आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि आप जब भी कोई जर्नी करते हो ट्रेन से, मान लो आप भारत के एक कोने से दूसरे कोने पे गए तो उसका कोई ना कोई लेंथ होगा, तो भारत का सबसे लंबा रूट कौन सा है? ट्रेन शुरू होता है कन्याकुमारी से और नॉर्मली आप ट्रेन से कहीं जाते होंगे तो 12 घंटे का ट्रेन होता होगा, यानी आप शाम बैठे और सुबह पहुंच गए, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे का होगा, एक दिन पूरा लग जाता होगा। चलो ये भी मान लिया कि 2 दिन का भी आपने सफर किया होगा, आपने 2 दिन का भी सफर किया होगा, 2-2.5 दिन का। लेकिन ये जो ट्रेन रूट है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक, ये 74 आवर्स यानी ऑलमोस्ट 3 दिन से भी ज्यादा इसका रूट है। मुझे लगता है कि इसको अनुभव करने में अच्छा लगता होगा क्योंकि अगर आप इस रूट पे बैठे तो आप ये कह सकोगे कि ऑफिशियली आपने भारत के सबसे लंबे रूट पे ट्रैवल किया है, 3 दिन आपने ट्रेन पे बिताया है, ये आप कह सकोगे। और पूरा डिस्टेंस कितना कवर होता है पता है? 4,200 किलोमीटर। ये तो हमने रूट की बात कर ली। अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का भी लेंथ होता है, एवरेज 1 किलोमीटर तक का ट्रेन होता है, मतलब पूरे ट्रेन का लेंथ ही 1 किलोमीटर होता है, ये अराउंड एवरेज लेंथ है। लेकिन इस पूरे विश्व के जितने ट्रेन अभी एग्जिस्ट करते हैं इन सबको आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारत का जो सबसे लंबा ट्रेन है और वो एक माल गाड़ी है, उसका नाम है सुपर वासुकी, और ये ट्रेन 3.5 किलोमीटर लंबा है। इसका यूज कोल के ट्रांसपोर्टेशन में होता है, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन। इसके पहले शेषनाग नाम का एक ट्रेन था, वो 2.8 किलोमीटर लंबा था, रिकॉर्ड उसके पास था सबसे लंबा ट्रेन का, लेकिन सुपर वासुकी ट्रेन सबसे लंबा बन गया। अब ये तो हमने भारत की बात कर ली, पूरे विश्व की बात करें तो आप देख सकते हो कि चाइना में 2.6 किलोमीटर सबसे लंबे ट्रेन का लेंथ है, साउथ अफ्रीका में 4 किलोमीटर लंबा भी ट्रेन है, लेकिन सबसे लंबा ट्रेन ऑस्ट्रेलिया में है और वहां भी मालगाड़ी ही है जो कि आयरन जो होता है लोहा उसको ट्रैवल करने मत करता है, और ये ट्रेन 4.6 माइल्स यानी 7 किलोमीटर लंबा है।
7 किलोमीटर। मेरे ख्याल से आपका ऑफिस स्कूल जो होगा वो आपके घर से 7-10 किलोमीटर दूर होगा, मे बी। तो सोचो आपके घर से लेके आपके स्कूल या ऑफिस तक उतना लंबा ट्रेन का लेंथ 7 किलोमीटर। फैक्ट नंबर 4, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड रहते हो। कॉइन फेंकने का जो प्रथा है, जैसे कोई भी वाटर बॉडी, कोई झरना है, वहां पे लोग जहां ट्रैवल करते हैं वहां पे कॉइन फेंक देते हैं झरने में। तो कॉइन क्यों फेंकते हैं, साइकोलॉजी क्या है, ये शुरू क्यों हुआ ऐसा? बात यह है कि एंशियंट टाइम में जब टेक्नोलॉजिकल दुनिया नहीं थी, मॉडर्न वर्ल्ड नहीं था, तब कोई भी ड्रिंकिंग वाटर का स्रोत किसी को मिलता था। कोई पहाड़ पे घूमा, उसको नया स्रोत दिख गया जहां पे साफ पानी आ रहा है जिसको वो पी सकता है। तो ये उस टाइम के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। एंशियंट सिविलाइजेशन में नदियां तो थी शहरों में, लेकिन कोई एक्स्ट्रा सोर्स हो पानी का जो कि नदी सूखने के वक्त काम आ पाए, तो ये लोगों के लिए एक ब्लेसिंग की तरह होती थी जो कि इमरजेंसी टाइम में उनको सरवाइव करने में हेल्प करता था। तो ये क्योंकि एक लकी चीज मानी जाती थी, यही कारण है और यही साइकोलॉजी है कि कॉइन लोग फेंकने लगे वैसे स्रोत में। हर चीज के पीछे ना कुछ वजह होती है, तो ये वजह आपको मालूम होनी ही चाहिए, चाहे वो दुनिया की छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। अब जैसे आप मेरा वीडियो देखते हो, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी हो सकती है, आप क्यों देखते हो? इसका आंसर ये है कि आपको इतनी चीजें, इतनी बारीक चीजें सीखने को मिलती है वीडियो से कि आप किसी भी चीज में कंफ्यूज नहीं रहोगे लाइफ में। आपको ऑलमोस्ट हर चीज के पीछे कारण क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये पता रहेगा। और ये पता होना अपने आप में एक बहुत वैल्यूएबल चीज है, और प्रोबेबली इसी वैल्यू के लिए आई थिंक कि आप मेरा वीडियो देखते हो। एंटरटेनमेंट अलग एस्पेक्ट हो गया कि चलो मजा आ रहा है, लेकिन जो कोर एट द बेसिक लेवल जो एक आपको अर्ज देता है वीडियो देखने का, साइकोलॉजिकल अर्ज, वो नॉलेज है। और दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन क्या है, कोई तलवार या फिर कोई बंदूक नहीं है, बल्कि नॉलेज है। फैक्ट नंबर 3, अभी के समय में इस दुनिया में ये देखा जा रहा है कई जगहों पर कि मछलियां बल्क में बीचेस पे पाई जा रही है मरी हुई। जैसे जापान में ये वीडियो सरफेस हुआ था रिसेंटली, और सिर्फ जापान की ही बात नहीं है, दुनिया में बहुत जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है। अब साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि उनके प्रेडिक्शन के हिसाब से समुद्र में जो कचरा है वो हद से ज्यादा बढ़ रहा है और वो मरीन लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, और 2050 तक समुद्र में इतना कचरा भर जाएगा कि मरीन लाइफ की सस्टेनेबिलिटी आधे से भी कम हो जाएगी। यानी मतलब ये हुआ कि मान लो कि समुद्र के किसी इलाके में 100 मछलियां रह पा रही है, तो इतना कचरा भर जाएगा और जो इकोसिस्टम है वो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि आधे मछलियां ही सरवाइव करने के कैपेबल होगी, वीकर वंस खत्म हो जाएंगी। और मरे हुए मछली का जो वीडियो सरफेस हो रहा है उसमें 1-2 किलो मछली थोड़ी है, 1200-1300 टन मरी हुई मछलियां पाई जा रही है। और जो भी कचरा है, जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, वो आखिरकार कहाँ मिलता है? वो कहीं नहीं जाता, या तो वो अंडरग्राउंड में जाता है या तो वो इवेंचुअली समुद्र में ही जाता है। और आपने ये भी बात सुना होगा कि समुद्र जो है वो पूरे विश्व का 80% लगभग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लोगों को लगता होगा कि पेड़ पौधे करते हैं, लेकिन समुद्र का जो इतना बड़ा एरिया है उसके अंदर कई पेड़ हैं जो कि विश्व में बहुत अच्छा खासा मात्रा में ऑक्सीजन को बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, ये पेड़ ओशन में मौजूद होते हैं और ये ऑक्सीजन को बनाते हैं। यानी पेड़ पौधे ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए जितना जरूरी है, ऑक्सीजन वही चीज जो हमें जिंदा रखती है, उसी को समुद्र बहुत मात्रा में बनाता है। तो फ्यूचर डार्क दिख रहा है। फैक्ट नंबर 2, ये एक थोड़ा डीप फैक्ट है, इसके टाइमलाइन को समझना। धरती बनी उस टाइम कोई भी चीज नहीं थी, कोई लाइफ नहीं था धरती बनने के बाद। और साइंस के दुनिया में एक टर्म है, द बोरिंग बिलियन। ये धरती के इनिशियल पीरियड को कहा जाता है, शुरुआती दौर को। बोरिंग बिलियन इसीलिए क्योंकि धरती में सब कुछ बोरिंग था, बस धरती था, ना कुछ हो रहा था, डायनासोर आने में भी वक्त था, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई लाइफ नहीं था धरती पे शुरुआत में। और 1 बिलियन साल तक लाइफ नहीं था, 100 करोड़ साल तक। इसी को विज्ञान ने नाम दिया है द इनिशियल बोरिंग बिलियन, शुरुआती 1 बिलियन बोरिंग बिलियन साल। और उसके बाद फिर डायनासोर ये सब का पीरियड आया, शुरुआती क्रिएचर्स डायनासोर्स ये सब बने, डायनासोर्स खत्म हुए। बात यहाँ ये है कि डायनासोर्स के पीरियड तक तो हम जानते हैं, डायनासोर जब विलुप्त हुए, खत्म हुए, उसके बाद भी तो कई वक्त था जिसके बाद इंसान आया,
इवेंचुअली। लेकिन डायनासोर्स के खत्म होने के बाद और इंसान के आने के पहले का जो पीरियड था इसको ग्रे पीरियड कहा जाता है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन साल का गैप है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। साइंटिस्ट्स को कोई अंदाजा नहीं है कि उसके बाद क्या आया। मतलब ये पूरे ग्राफ के हलचल को देखो, देखो समझो, शुरुआत में धरती बना, कुछ नहीं था धरती में, सिर्फ धरती था, और 1 बिलियन वो बोरिंग बिलियन बोरिंग तरह से बीता, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, डायनासोर आया, हलचल हुआ, उसके बाद डायनासोर विलुप्त हुआ, फिर कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 10 लाख सालों तक कुछ नहीं हुआ। डायनासोर के खत्म होने के बाद लाखों सालों तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर इंसान आया। तो इसी लाखों सालों के दौरान करोड़ों तरह के स्पीसीज आए और गए जिसके बारे में विज्ञान को कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ कुछ हजार 10 हजार स्पीसीज के बदले, लेकिन आए कितना, करोड़ों में, अननोन एरा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जो भी हाई लेवल के लोग हैं, जो बहुत बड़ी चीजों को कंट्रोल करते हैं, कई लोग उन्हें इल्यूमिनाटी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया को कुछ लोग मिलकर चलाते हैं जो कि टॉप पे बैठे हुए हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब बात सही हो या नहीं हो, एक बात तो सही है कि नॉर्मल कंज्यूमर, आम लोग, हम लोग जो है, हमारे साइकोलॉजी पे बहुत पैसा खर्च होता है पूरे विश्व भर में। आप यकीन नहीं करोगे, स्टडीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हम लोगों को कैसे वो चीजें खरीदने पे मजबूर कर दें जो उनको चाहिए ही नहीं, या फिर जिसकी उन्हें जरूरत ही ना हो, फिर भी उसे अर्ज आए लेने की। मार्केटिंग अपने आप में गंदी नहीं है, लेकिन किस तरह से कोई चीज किया जा रहा है वो बहुत डार्क हो रहा है आजकल। मतलब यही है एक लाइन में कि साइकोलॉजी, दिमाग कैसे काम करता है इंसान का, ये अगर कोई समझ लिया ना तो वो वर्ल्ड को एक तरह से समझ जाएगा और वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकेगा कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक। और वो इस दुनिया में कैसे सर्वाइव किया जाता है, कैसे बिजनेस बनाया जाता है, ठीक ठाक लाइफ कैसे जिया जाता है कंफर्टेबली, वो चीज को कोई भी इंसान हासिल कर सकता है अगर आप लोगों के साइकोलॉजी को समझ लो, तो दिमाग को समझ लो, तो कि दिमाग कैसे काम करता है इंसान का। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।